हाय गाइस, सो ये है डे टू ऑफ माय जलंधर वी लौक. ये वीडियो मेरे भाई की शादी सीरीज़ का वीडियो है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शादी के पहले की सारी तैयारियाँ और शॉपिंग सो डू आउट ऑल द जो मैं शेयर कर रही हूँ इस सीरीज़ में सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो so, आज हम आए हैं यहाँ पे रैनक बाजार में फॉर माई ब्रदर्स शॉपिंग एंड उसके लिए हमें लेना है कुर्ता पाजामा टू दिस काफी सारी कलेक्शन है लेट्स सी कहाँ पे फाइनली इसकी ड्रेस मिलती है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमने शेरवानी सदर बाजार से ही ले ली थी रेंट पर और वो फाइनल हो गई थी सो so, यहाँ रैनक बाज़ार में हम आए हैं ढूँढने के लिए जागो के लिए ड्रेस और उसके अलावा हमें चाहिए हल्दी के लिए येलो कलर का कुर्ता फ़ॉर माई ब्रदर एंड वही हम यहाँ पर ढूँढ रहे हैं काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पर जेंट्स के लिए सो so, काफ़ी सारी चॉइस हमें यहाँ पर मिली मेरे भाई की ड्रेसेस के अलावा भी बहुत सारी हमें और काम थे इस मार्केट में तो जो जो शॉप्स रास्ते में दिख रही थी वहाँ से हम बाकी शॉपिंग भी साथ साथ में कर रहे थे तो ये एक हमें बड़ी सी शॉप मिली जहाँ पे बहुत सारी बैग्स की कलेक्शन थी बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सेस थे यहाँ पे वेडिंग क्लचज बैग्स ब्राइडल पर्सेज एंड उसके अलावा कैजल बैग्स भी बहुत थे ट्रैवलिंग बैग्स बहुत सारे थे इस शॉप में सो so, हमने तीन बैग्स यहाँ से लिए एक मैंने एक मेरी मॉम ने और मेरे होने वाली भाभी के लिए भी हमने एक डिज़ाइनर बैग यहाँ से लिया यह है इस शॉप का एड्रेस इन केस यू आर इंटरेस्टेड इस शॉप से बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ी सी शॉप थी जहाँ पे बहुत ही अच्छा फुटवेयर कलेक्शन था पार्टीवेयर एंड ब्राइडल फुटवेयर कलेक्शन इन ऑल द कलर्स यू कैन इमेजिन इन ऑल द ब्लिंग एंड कैजुअल शूज़ भी थे इनके पास जेंट्स शूज़ भी थे सो so हमने यहाँ से कुछ लिया नहीं बट दे गाइडेड अस टू अ वेरी गुड शॉप जहाँ से हमने बाद में जुतियाँ खरीदी सो so नॉर्मली जो यहाँ पे शॉपकीपर्स थे बहुत ही हेल्पफुल थे काफ़ी बड़ी मार्केट है ये रैनक बाज़ार आप इसे दिल्ली के चांदनी चौक या फिर मुंबई के क्रॉफ़र्ड मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग ग्यारह बजे यहाँ पर पहुँच गए थे एंड अभी दोपहर के कुछ तीन या चार बज रहे होंगे हम अभी भी ढूंढ ही रहे हैं चीज़ें एंड हमें ज़्यादा शॉप्स के बारे में पता नहीं था तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे और जो जो चीज़ें हमें मिलती गई हमारी शॉपिंग लिस्ट से वो हम लेते गए साथ ही मैं मैं वीडियो शूट कर रही थी और जितनी इन्फॉमेशन मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ उतनी मैं कर रही हूँ ताकि अगर आपको जलंधर में शॉपिंग करनी हो तो आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके मार्केट के बीचों बीच एक खाओ गली जैसी है जिसे टिक्की वाले चौक से जाना जाता है और उसके आसपास ही ये फुटवेयर और बैग्स वाली शॉप थी तो अब हम वहाँ से बाहर की साइड निकल रहे थे और आते आते हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ये शॉप मिली बहुत बड़ी सी शॉप थी ये और इनके पास शादी का सारा सामान था जागो में जो स्टफ़ यूज़ होता है वो सब भी इनके पास था एंड फुलकारी की बहुत बड़ी कलेक्शन थी इस शॉप में बाकी भी हर टाइप के दुपट्टे इस शॉप में अवेलेबल थे रुमाला साहिब की बहुत बड़ी कलेक्शन थी इनके पास और उसके अलावा इनके पास फैब्रिक्स थे हर टाइप के वेलवेट के फैब्रिक्स जॉर्ज फैब्रिक्स डायबल फैब्रिक्स तो बहुत ही प्यारी कलेक्शन हमें इस शॉप में देखने को मिली हमने कुछ दुपट्टे लिए इस शॉप से और बाकी जो भी सामान हमने आज रैनक मार्केट से लिया है वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको ज़रूर दिखाऊंगी एक और छोटी सी चीज़ जो हम सदर मार्केट में भी ढूंढ रहे थे वो हमें यहाँ मिल गई इसे कहते हैं वाग और ये जो है छोटी छोटी लटकन होती है जो कि सिस्टर्स बांधती हैं दूल्हे की गाड़ी पर सो so, बारात के निकलने के पहले जो दूल्हे की गाड़ी होती है उसमें सारी बहनें ये वाग जो है गाड़ी पे बांधती हैं और इसे ऑस्पिशियस कहा जाता है और आ, साथ में बहनों को नेक भी दिया जाता है इसके लिए काफ़ी शॉपिंग हमारी हो गई थी बट फिर भी जो हम ढूंढ रहे थे मेन चीज़ वो हमें नहीं मिल पा रही थी मेरे भाई की जो जागो की ड्रेस थी वो ढूंढने में हमें बहुत ही टाइम लगा था और काफ़ी शॉप्स हमने देख डाली जेंट्स की जितनी शॉप थी वो हमने आ, देख ली थी यहाँ पे लेडीज़ की शॉप्स यहाँ ज़्यादा थी इस मार्केट में और जेंट्स की शॉप्स लिमिटेड थी और ज़्यादा टाइम हमें इसलिए भी लग रहा था क्योंकि हमें आ, ब्राइड और ग्रूम जो है दोनों का आउटफिट जो है मैच करना था कोऑर्डिनेट करना था तो इसीलिए हम जिस टाइप ड्रेस ढूंढ रहे थे वो हमें नहीं मिल रही थी सो so, बहुत भूख लग रही थी तो वी डिसाइडेड की वील टेक अ ब्रेक और मार्केट से हम बाहर की साइड निकल आए एंड रिक्शे वाले को हमने पूछा कि आसपास जो भी अच्छी जगह हो खाने के लिए आप हमें वहां ले चलो सो so, वो रिक्शा वाला हमें लेके आया इस ढाबे पे जिसका नाम था वैष्णो ढाबा और बहुत ही सिंपल बट बहुत ही टेस्टी यमी फूड था यहाँ पे हमने दो तीन चीज़ें ही ऑर्डर की थी और इसमें हम तीनों का लंच हो गया था बहुत ही अच्छे से तो वापस थोड़ी एनर्जी गेन करने के बाद हम चल पड़े फिर से मार्केट में मेरे भाई का आउटफिट ढूंढने के लिए एंड रिक्शे वाले ने हमें बताया कि आप एम मार्केट भी ट्राई कर सकते हो और आज हमें इसकी शॉपिंग ख़त्म करनी ही थी क्योंकि कल हमें होटल में शिफ्ट करना है और छोटे छोटे काम भी निपटाने हैं तो आज हमारा टारगेट था कि हम जो मैक्सिमम शॉपिंग है वो आज खत्म कर पाएं सो एमबे मार्केट हम गए विच इज़ नियर रैनक मार्केट ओनली और ये एक न्यू मार्केट है और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े शोरूम्स हैं कलेक्शन इज़ वेरी गुड बट इट इज़ ऑल्सो ऑन लिटिल हायर साइड अगर आप कुछ एक्सक्लूसिव स्टफ चाहते हैं तो आप ये मार्केट ज़रूर चेक कर सकते हैं बट इट्स मेनली फॉर गर्ल्स uh, शॉपिंग या लेडीज़ शॉपिंग के लिए है ये मार्केट जो भी शॉप्स मुझे यहाँ दिखी मोस्टली लेडीज़ के का ही सामान था यहाँ पे सो so, हम इस मार्केट से बाहर निकल गए और एक सामने की गली में घुस गए एंड वहाँ से घूमते घामते हम लोग वापस से रेनक बाज़ार के अंदर घुस गए और फिर वहाँ पे हम चले गए मीना बाज़ार में जहाँ पे सारी कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी की शॉप्स हैं सो तो वहाँ पे आपको परांदे ज्वेलरी कॉस्मेटिक्स और रेंट पे लहंगे और लेडीज़ का जो भी सामान होता है वो काफ़ी कुछ आपको इस गली में मिल जाएगा जिसे मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता है सो तो यहाँ से हमने थोड़ा बहुत सामान लिया यहाँ से निकलकर हम गए अपनी लास्ट शॉप में रैनक बाज़ार में जो कि था पंजाबी विजय पंजाबी जुत्ती हाउस और ये शॉप हमें रिकमेंड की थी पीछे शू वाली शॉप वाले अंकल ने और यहाँ से फाइनली मेरे भाई ने अपनी शादी की जुती ली और मैंने भी लगे हाथ एक जुत्ती ले ही ली बट मैं जो प्रेफ़र करती हूँ मैं ओपन वाली जुती प्रेफ़र करती हूँ ताकि वो पीछे से बाइट ना करे और काफ़ी अच्छी बड़ी शॉप थी ये इनकी ओन मैन्युफैक्चरिंग है और काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी इनके पास छः बज चुके थे और अब तक मेरे भाई का जागू का आउटफिट फाइनल नहीं हो पाया था सो वी गेव अप ऑन रैनक बाजार और हम आ गए राम गार्मेंट्स में जो कि है मॉडल टाउन में एंड uh, इसके अंदर ही मान्यवर है प्लस ये एक मल्टी ब्रांड स्टोर है तो काफ़ी सारी कलेक्शन इनके पास है ब्रांडेड एंड लोकल मेड आउटफिट्स एंड क्लोथ्स इनके पास uh, बहुत सारी कलेक्शन uh, है सो फाइनली यहाँ से हमें uh, वो ड्रेस मिली जिसे हम पूरा दिन ढूंढते रहे सो फाइनली वी आर बैक इन द रूम और मैं क्विकली आपको दिखाती हूँ कि हमने आज क्या क्या ख़रीदा रैनक मार्केट से तो ये कलरफुल सा दुपट्टा मैंने अपने लिए लिया उस फुलकारी शॉप से और ये फुलकारी का दुपट्टा भी मैंने लिया ये येलो वाला दुपट्टा मेरी मॉम ने लिया उनके लिए और उसके अलावा ये वाइट कलर के सॉफ्ट मलमल के दुपट्टे हमने लिए मेरी नानी और मेरी भाभी की नानी के लिए येलो कुर्ता फ़ॉर माई ब्रदर्स हल्दी और पीछे आपको उसके तिल्ले वाली जुत्ती भी दिख रही होगी देन आई बॉट सम ज्वेलरी ये जड़ाऊ मांग टीका जो कि बहुत ही सुंदर और लाइट वेट था और ये है कान के सहारे जो कि पर्ल के बने हुए हैं और ये पर्ल की बैंगल्स पर्ल इज़ सो मच इन ट्रेंड तो बहुत सारी पर्ल वाली जूलरी थी वहाँ पे सो तो ये कड़े बने लिए और ये बहुत ही सुंदर सा मांग टीका और इयर रिंग्स का सेट था द मांग टीका वॉज़ ह्यूज इन साइज एंड ये ब्यूटीफुल से झुमके वाले ईयर सो so, ये वीलॉग मैं अब यहीं ख़त्म करती हूँ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज़ कीप वॉचिंग एंड सारे लिंक्स जो हैं वीडियोज़ के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आई होप यू आर इंजॉइंग दिस सीरीज डू लिट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बाय बाय